हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मासिस्ट एक्टिवेशन 1155 में। आज हम डिस्कस करेंगे अपने बीफॉर्म फिफ्थ सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट सब्जेक्ट, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस लिक्विड ओरल्स प्रिपरेशंस। ठीक है, तो बेसिकली इससे पहले के टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं और ये यूनिट सेकंड का लेक्चर 12th है। इसके लेक्चर 11th का आपको लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो सबसे पहले आप वो वीडियो वॉच करें, उसके बाद आप ये वीडियो देखें, आपके लिए अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपके लिए बता दें, हमारा नाम है सीएन सिंह। आप लोग से हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा लिक्विड ओरल्स प्रिपरेशंस, यानी कि हम इस टॉपिक में और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी हमारे लिक्विड ओरल प्रिपरेशन होती है, यानी कि जिनके लिए हम ओरली लेते हैं, उन प्रिपरेशन को हम किस तरह से बनाते हैं, उनको उनका ऑब्जेक्ट सॉरी एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड उसके लिए हम किस तरह से फॉर्मुलेशन करते हैं उनका, उनके बारे में हम जो है इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में देखेंगे और उनका ब्रीफली इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिक्विड ओरल्स होते क्या हैं। तो लिक्विड ओरल्स हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं या ऐसी हमारी ड्रग होती हैं, यानी कि दीज आर द लिक्विड डोसेज फॉर्म कंटेनिंग वन और मोर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो कि विद और विदाउट डिजॉल्व इन ए सूटेबल बीकर में फॉर ए ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, जिनके लिए जो है फिर ओरली लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा सीरप है एंड इमल्सन है, सस्पेंशंस है एंड एलिक्सर एक्सेट्रा हमारे, यानी कि एक हमारा एलिक्सर भी हमारा ये लिक्विड ओरल प्रिपरेशन है। ठीक है, यानी कि लिक्विड ओरल है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि इनके एडवांटेज क्या हैं। तो बेसिकली इनके एडवांटेज के बारे में बात करें तो सबसे पहले इनका एडवांटेज हो जाएगा, ये जो है बहुत ही इजी एडमिनिस्ट्रेशन हो जाते हैं इन चिल्ड्रन बच्चों में एंड एल्डर पीपल में, यानी कि जो भी मतलब बुजुर्ग वगैरह लोग होते हैं उनमें, उनके लिए एंड बच्चों के लिए हम इस ओरल प्रिपरेशन के द्वारा इनके ओरली हम इनके लिए सीरियस सस्पेंशन इमल्सन वगैरह के लिए जो है बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। ये इसका एक एडवांटेज हो गया। फिर इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो मोर देन सॉलिड डोसेज फॉर्म, यानी कि सॉलिड जो डोसेज फॉर्म होती है उनसे ज़्यादा इनकी बायोअवेलेबिलिटी होती है। एंड और क्या है, एक इसका एडवांटेज है, इट हैज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही यूनिफॉर्मली होता है एंड इट रिड्यूस, ये जो रिड्यूस होते हैं जीआईटी इरिटेशंस ड्यू टू डायल्यूशन फैक्टर्स। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो इट इज डिफिकल्ट टू मास अनप्लीजेंट, इट इज वेरी इजी टू गेट माइक्रोबियल्स कंटेमिनेशंस होते हैं एंड इट कैन अंडरगो वेरियस रिएक्शंस लाइक हाइड्रोलाइसिस ऑक्सीडेशन विच रिलीज इन डिग्रेडेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, यानी कि इसमें इसका डिसएडवांटेज ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये जो है वेरी इजी टू गेट माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, यानी कि जो है माइक्रोबियल की जो कंटेमिनेशन वगैरह होता है इनमें बहुत ही आसानी से ईजी हो जाता है, जल्दी से हो जाता है, इनका ये डिसएडवांटेज हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीरप, यानी फॉर्मुलेशन यानी कि जो हमारा सीरप है उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, यानी कि सीरप को हम किस तरह से बनाते हैं। तो सीरप इज ए कंपोजिशन ऑफ एपीआई एंड एडिटिव्स, यानी कि सीरप हमारा ये कंपोजिशन है एपीआई एंड एडिटिव्स का, सम ऑफ द एडिटिव्स यानी कि कुछ एडिटिव्स हमारे विच आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सीरप, कुछ हमारे एडिटिव्स ऐसे हैं जो यूज किए जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ सीरप्स में, जिनमें सबसे पहला हमारा है प्रिजर्वेटिव के बारे में। तो बेसिकली आप लोगों के लिए हम बता दें, आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर में हैं तो फिफ्थ सेमेस्टर में आ चुके हो, तो जैसे कि प्रिजर्वेटिव के बारे में आप एक दो लाइन में लिख सकते हैं, यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आपको इस तरह से लिखना है। सबसे पहले आपको लिक्विड ओरल्स के बारे में बताना है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में, फिर फॉर्मुलेशन ऑफ यानी कि जिसके बारे में पूछे वो, जैसे कि सीरप के बारे में पूछे या इमल्सन के बारे में पूछे जो भी क्वेश्चन पेपर में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसी तरह से करना है। तो उसमें सबसे पहले हमारे मान लो उस क्वेश्चन पेपर में सीरप के बारे में पूछा है, तो सीरप्स में सबसे पहले बात करते हैं प्रिजर्वेटिव के बारे में। तो प्रिजर्वेटिव के बारे में आप अपने यहाँ से दो चार लाइन लिख सकते हैं, और जो भी हम उसमें प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे वो हमारे जैसे कि फिनोल्स हो सकते हैं, बेंजोइक एसिड, बोरिक एसिड एंड थ्री साल्ट एंड देयर साल्ट, ठीक है, थ्री नहीं देयर साल्ट उसमें हो सकते हैं, ये हमारे प्रिजर्वेटिव हैं, एज अ प्रिजर्वेटिव वो सीरप में वर्क करेंगे और इनके लिए जो है फॉर्मुलेशन ऑफ यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यानी कि सीरप को बनाने में यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव एजेंट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वीटनिंग एजेंट्स,
यानी कि सीरप्स को बनाने में हम स्वीटनिंग एजेंट्स को भी यूज करते हैं। तो स्वीटनिंग एजेंट्स क्या होते हैं, हमारे सुक्रोज, एस्पार्टीन एंड लिक्विड ग्लूकोज, और इनके लिए हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इनका जो है सीरप का जो भी स्वाद है वो जो है बहुत ही मतलब थोड़ा मीठा लगे, इस वजह से हम स्वीटनिंग एजेंट्स का यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारी ड्रग होती है वो जो है कड़वी वगैरह होती है, उसके लिए पीने में थोड़ा मतलब ड्रग को लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इस वजह से हम उसमें स्वीटनिंग एजेंट यूज करते हैं। ये तो आप मतलब सब लोग जनरल बात है, फिफ्थ सेमेस्टर में आ गए हो, जानते हैं हम सब लोग। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसमें यूज करते हैं विस्कोसिटी कंट्रोलिंग एजेंट्स, इसमें यूज करते हैं जो कि पॉलीविनाइल, पायरोलिडीन्स एंड मिथाइल सेलुलोज, एंड फिर उसमें हम बफरिंग एजेंट्स सिरप्स को बनाने में यूज करते हैं, बफरिंग एजेंट जैसे कि फास्फेट बफर, एसीटेट बफर, और बफर एजेंट्स हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारा जो भी बॉडी का जो भी बफर का जो पीएच है वो मेंटेन रहे उस ड्रग को जाने के बाद, और वो मतलब जो भी ड्रग का पीएच है वो बहुत ही मतलब लेवल में रहे, जो जिस तरह से हमारी बॉडी को चाहिए पीएच उसी तरह का, मतलब उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें बफरिंग एजेंट्स हम यूज करते हैं। एंड एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ हम यूज करते हैं, इसकी एस्कर्विक एसिड, ब्यूटायरेटेड हाइड्रोक्सी टायरियन इसमें हम यूज करते हैं, ठीक है। एंड फ्लेवरिंग एजेंट भी हम इसमें यूज करते हैं सीरप्स को बनाने में, जैसे कि मेंथोल्स हो गया एंड क्लोरोफॉर्म्स हो गई, यानी कि इनके लिए हम क्यों यूज करते हैं, क्लोरोफॉर्म बेसिकली हमारे लिए वही यानी कि नींद आने में, यानी कि क्लोरोफॉर्म जिसमें जिस सीरप्स में जो है मतलब मिला हुआ होगा जिस सीरम में, तो उसमें उस सीरप्स को पीने के बाद हमारे लिए जो है नींद आएगी। और उसमें कुछ सॉल्वेंट यूज करते हैं जैसे कि वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, ग्लाइसरीन हो गया, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल्स हो गया, ठीक है, ये हम इसमें सिरप भी यूज करते हैं। तो बेसिकली आप लोगों ने मतलब ये हमने अभी तक इस वीडियो में देखा कि फॉर्मुलेशन ऑफ सीरप्स, यानी कि सीरप्स को बनाने में किन किन इंग्रेडिएंट्स, यानी कि किन किन का हम जो है इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हैं, तो वो आप हमने जो है बहुत ही अच्छे से अभी तक देखा। अब हम बात करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ एलिक्सर्स, यानी कि एलिक्सर्स जो हमारे होते हैं वो भी ऐसा सीरप्स की तरह ही होते हैं। तो बात करते हैं एलिक्सर्स के बारे में थोड़ा। तो एलिक्सर्स क्या होते हैं, एलिक्सर आर क्लियर स्वीटनिंग हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड ओरल यूज कंटेनिंग, यानी कि ये भी जो है क्लियर स्वीटनिंग हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड होते हैं फॉर ओरल यूज किया जाता है इनके लिए, ठीक है। और ये अब इनके बारे में कंटेनिंग इनके लिए ओरली यूज किया जाता है। दे आर टू फॉर्म टू टाइप्स, यानी कि जो हमारे एलिक्सर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज मेडिकेटेड एंड सेकेंड इज नॉन मेडिकेटेड। अब इससे इसके बारे में हम जो है आगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस बात करेंगे इससे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हम आपके लिए मतलब थोड़ा सा एक जनरल बात बता दें, जैसे कि हमारे एलिक्सर क्या होते हैं, एलिक्सर भी हमारे बहुत मतलब सीरप्स की तरह ही होते हैं, और एलिक्सर में और सीरप्स में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने एक सीरप सुना होगा, बाकी ये जो हमारे सीरप्स होते हैं पैरासीटामोल वगैरह होता है या कोजिक्विड वगैरह, यानी कि खांसी का सीरप जो हमारा होता है, ये तो हमारे सीरप्स होते हैं, लेकिन एक हमारा एक सीरप आता है जिसे हम बोलते हैं लिप 52। तो लिप 52 जो हमारा सीरप्स होता है वो सीरप नहीं होता है, बल्कि वो एलिक्सर होता है, ठीक है। उसके लिए उसके आप लोगों पर आप ढंग से जो है पढ़ के देखना थोड़ा लोगों पूरा उसका लेवल वगैरह, तो वो जो है एलिक्सर होता है, सीरप नहीं होता है। तो ज़्यादा कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं होता है सीरप्स में एंड एलिक्सर में, लेकिन फिर भी कभी कभी एग्जाम में हमारे हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, और हम मेडिकल मतलब हम लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे लिए पता होना चाहिए कि एलिक्सर और सीरप्स में क्या डिफरेंस होता है, और एलिक्सर क्या होते हैं, सीरप्स क्या होते हैं। तो बात करते हैं एलिक्सर एंड सीरप्स के डिफरेंस के बारे में, तो क्योंकि ये एग्जाम में जो है 2 नंबर में क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछ लिया जाता है हमारे सेमेस्टर एग्जाम में, और हम लोगों के लिए मतलब मेडिकल स्टूडेंट के लिए पता भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें डिफरेंस बिटवीन सीरप्स एंड एलिक्सर। तो सीरप्स हमारे क्या होते हैं, सॉरी एलिक्सर जो हमारा सीरप्स और एलिक्सर के हम डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो इनमें जो क्या होता है ना, जैसे कि ये जो है एलिक्सर हमारे होते हैं, एलिक्सर्स जो है अल्कोहल इज ए नेसेसरी कंपोनेंट, यानी कि जो हमारा जो अल्कोहल एलिक्सर जो होते हैं वो अल्कोहलिक नेसेसरी कंपाउंड होते हैं, सॉरी कंपोनेंट्स होते हैं, एंड अल्कोहल इज नॉट नेसेसरी कंपोनेंट्स, यानी कि सीरप्स में हमारा अल्कोहल इज नॉट नेसेसरी होता है कंपोनेंट्स में। एंड एलिक्सर में क्या होता है, इट इज लेस विस्कस देन सीरप्स, ये जो है लेस विस्कस होते हैं देन सीरप से, एंड सीरप्स आर मोर विस्कस देन एलिक्सर्स, ठीक है। और क्या डिफरेंस होता है इसमें, और जैसे कि प्राइमरी सॉल्वेंट आर अल्कोहल एंड वाटर, यानी कि
इसमें हमारा प्राइमरी सॉल्वेंट एल्कोहल एंड वाटर है, एंड इसमें प्राइमरी सॉल्वेंट हमारा सुगर एंड वाटर है। और एलिक्सर में हमारा एलिक्सर जो होते हैं, एलिक्सर थिनर होते हैं देन सिरप से, एंड सिरप हमारे थिकर होते हैं देन एलिक्सर से, एंड एलिक्सर हमारे मोर स्टेबल होते हैं एंड सिरप हमारे लेस स्टेबल होते हैं। बे थोड़ा सा ये डिफरेंस देख लिया सिरप एंड एलिक्सर में। तो ये बेसिकली आप लोग को इस वीडियो में यही बताना था। कैसी लगी आपको वीडियो, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं यानी नेक्स्ट वीडियो में और अकॉर्डिंग टू सिलेबस नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक लिए गुड बाय, थैंक यू।